कंट्रोल के फंक्शन जो है आजकल के दौर में बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं, खासतौर पर जब हम प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं या फिर जब हम लोग जो है कोई स्क्रिप्ट या डॉक्यूमेंट लिख रहे होते हैं, असाइनमेंट बना रहे होते हैं, तो वहाँ पे इस फीचर की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो अक्सर बेशतर हमें कुछ कीज़ तो याद होती हैं बट सारी की सारी याद नहीं होती। तो बाय डिफॉल्ट जो है ए से लेके जेड तक जो भी कंट्रोल की कीज हैं वो सारी की सारी कीज जो है मैं आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके से आप कंट्रोल ए टू जी कीज को यूज करते हुए बासानी किस तरह से अपना डॉक्यूमेंट जो है उसको टाइप कर सकते हैं या लिख सकते हैं। बहुत सारी कमांड्स इसमें तो याद होंगी, बहुत सारी याद नहीं होंगी, तो बहुत यूजफुल वीडियो होने वाली, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आप सारी की सारी कीज जो है वो जान सकें किस तरह से कौन सी की कहाँ पे काम आती है। तो मैं आपको साथ साथ जो है एक एक्सेल की शीट पे जो है वो कंट्रोल्स दिखाता रहूंगा कि कंट्रोल्स ए टू जी जो है बेसिकली क्या है, और साथ साथ आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाता रहूंगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम जुएपर, आप लोग देख रहे हैं टेक साइबर विजन। सबसे पहले जो है मैं आपको बताऊंगा कि कंट्रोल जो है ए टू सी के हवाले से मैं वीडियो बना रहा हूँ। कंट्रोल ए टू सी के क्या क्या फीचर्स हैं हर एक की का। कंट्रोल ए का मतलब है स्लॉग सेलेक्ट ऑल, तो सेलेक्ट ऑल की अगर मैं बात करूँ फिजिकल मैं आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है। आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा कंट्रोल के साथ जैसे मैं ए प्रेस करता हूँ तो ये सिलेक्ट हो गया सारा का सारा। ये कुछ कीज हैं जो हम सब जानते हैं ऑलरेडी, बट बहुत सारी कीज हम नहीं जानते होंगे, तो जो लाइव परफॉर्म हो रही होगी वो मैं आपको करके दिखाऊंगा, अदरवाइज मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, कंट्रोल बी की अगर मैं बात करूं तो कंट्रोल बी जो है बोल्ड करने के लिए यूज होता है। मिसाल के तौर पे ये सारा का सारा मैं सिलेक्ट कर लेता हूं, अगर ये बोल्ड नहीं होगा तो ये अनबोल्ड हो जाएगा। अभी ये बोल्ड नहीं है तो मैं इसको वापस आपको करके दिखा देता हूं कंट्रोल बी से, ये बोल्ड हो गया इस वक्त। हम बात करते हैं कंट्रोल सी की। कंट्रोल सी यूज होता है कॉपी करने के लिए, ठीक है। तो ये कॉपी हो गया है, मैं इसको वापस से पेस्ट करता हूं कंट्रोल वी से, तो ये देखें आपको पेस्ट हुआ हुआ नजर आ रहा होगा। मैं इसको अंडो कर देता हूं कंट्रोल जेड से, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ताकि आप मिक्स ना करें। अभी हम कंट्रोल सी पे पहुंचे हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कंट्रोल डी की। कंट्रोल डी बेसिकली फॉन्ट के लिए होता है कि हम जो है किस तरह का फॉन्ट सिलेक्ट करना चाह रहे हैं या डुप्लीकेट बेसिकली इसको करना चाह रहे हैं, ठीक है। इसके बाद मैं बात करूंगा कंट्रोल ई की, जो कि अलाइनमेंट के लिए होता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं इसको इधर कर लेता हूं, ठीक है, तो कंट्रोल ई जैसे मैं प्रेस करूंगा तो ये इसको सेंटर में ले आएगा, आपको नजर आ रहा होगा स्क्रीन पे। अब हम बात करते हैं कंट्रोल एफ की, जो कि फाइंड के लिए होता है। ये भी फ्यूचर आप जानते होंगे ऑलरेडी, ये फाइंड का पोर्शन सामने खुल गया है। अब हम बात करते हैं कंट्रोल जी की, ये डायरेक्ट गो करने के लिए होता है किसी लोकेशन पे, ठीक है। कंट्रोल जी जैसे मैं करता हूं, ठीक है, तो ये बेसिकली गो टू के लिए है। आप डायरेक्टली किसी पेज पे भी जाके टर्न कर सकते हैं, डायरेक्टली टर्न कर सकते हैं किसी भी पेज पे जहां पे आप जाना चाह रहे हैं यहाँ इस कमांड के जरिए, ठीक है। नेक्स्ट है कंट्रोल एच, ये भी फाइंड एंड रिप्लेस के लिए है। कंट्रोल एच की अगर हम बात करें, ठीक है, कि किस लाइन को आपने रिप्लेस करना है, वहां आप यहाँ पे आप फाइंड का पार्ट बताएंगे, यहाँ पे आप रिप्लेस का मैटर बताएंगे कि क्या रिप्लेस करना है उसकी जगह, ठीक हो गया। इसके बाद आ जाते हैं कंट्रोल आई पे। कंट्रोल आई बेसिकली जो है फॉन्ट्स इटैलिक्स के लिए है, ठीक है। अगर कंट्रोल आई करता हूं तो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा कि ये इटैलिक फॉन्ट का शॉर्टकट है बेसिकली कंट्रोल आई। मैं वापस सिलेक्ट कर लेता ताकि अनसिलेक्ट हो जाए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम कंट्रोल के पे। ये हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए है, कोई हाइपरलिंक अगर आप इंसर्ट करवाना चाह रहे हैं टेक्स्ट में, ठीक है, तो आप यहां से कंट्रोल के से करवा सकते हैं टेक्स्ट के बीच में कोई हाइपरलिंक अगर आपको इंसर्ट करवाना है। इसके बाद चलते हैं आगे कंट्रोल एल की तरफ, लेफ्ट साइड पर ले जाने के लिए बेसिकली ये टेक्स्ट को,
ये देखें सारा का सारा टेक्स्ट लेफ्ट पे मूव हो गया है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं कंट्रोल एम की तरफ, कंट्रोल एम बेसिकली इंडेंट को इंक्रीज करने के लिए है। मैं आपको दिखा देता हूं स्क्रीन पे, जैसे मैं कंट्रोल एम करता हूं ये देखें इसने इसको इंक्रीज कर लिया है, सॉरी। सेंटर में जो है इंटेंड करते हुए ये आपको इंक्रीज करवा के देगा टेक्स्ट को, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, कंट्रोल एल सॉरी कंट्रोल एन, जो कि आपका न्यू डॉक्यूमेंट खोलेगा। ये देखिए आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा न्यू डॉक्यूमेंट खुल गया है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की कंट्रोल ओ, कंट्रोल ओ जो है वो ओपन करने के लिए है, ठीक है। आपने कोई फाइल ओपन करनी है प्रीवियस। नेक्स्ट चलते हैं हम कंट्रोल पी की तरफ, कंट्रोल पी को भी लोग जानते होंगे, कंट्रोल पी प्रिंट करने के लिए यूज होता है। मैं सारे के सारे कीज आपको जो है इसलिए लाइव करके दिखा रहा हूं ताकि आपको जो है आसानी हो समझने में, ठीक है। कंट्रोल पी के बाद चलते हैं कंट्रोल आर पे, ये राइट साइड की तरफ जो है अलाइन करेगा बेसिकली, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम कंट्रोल डब्ल्यू पे, जो कि एक्टिव विंडो आपको खोल के देगा। ठीक है कि आपने इसको जो है सेव करना है कि नहीं करना, या फिर एक्टिव विंडो जो भी होगा आपकी वो खोल के दे देगा, अदरवाइज क्लोज करने के लिए आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। मतलब क्लोज एक्टिव विंडो, एक्टिव विंडो आपकी जो खुली होगी उसे क्लोज करने के लिए क्लोज और कंट्रोल डब्ल्यू की है, जो कि आपसे एक्टिव विंडो को क्लोज करने के लिए पूछेगा, ठीक है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, कंट्रोल एक्स पे, कंट्रोल एक्स को भी लोग जानते होंगे, कंट्रोल एक्स बेसिकली कट करने के लिए काम आता है। ये देखें ये रिमूव हो गया, कट हो गया इस वक्त, ठीक है। वापस अंडू कर लेता हूं इसको। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ कंट्रोल वाई पे, जो कि एक्शन को रिपीट करता है, कंट्रोल वाई, ठीक है। यानी लास्ट एक्शन जो मैंने किया था कंट्रोल एक्स किया था, यानी रिमूव किया था, कट किया था, तो वही एक्शन इसने परफॉर्म कर दिया है कंट्रोल वाई ने, ठीक है। आपका लास्ट एक्शन जो है वो रिपीट करेगा। अब हम चलते हैं कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड भी लोग जानते हैं, कंट्रोल जेड बेसिकली अंडू करने के लिए होता है कि आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में जो है प्रीवियस जाना है, ठीक है। प्रीवियस मैंने ये कमांड अप्लाई करी थी इस पे, ठीक है। कंट्रोल जेड से मैं अंडू कर सकता हूं। उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलता है अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।